गांव की गलियों में सौर ऊर्जा का प्रकाश होगा, खेत खलियानों में सिंचाई के नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होगा और रसोई के कचरे से कंपोस्ट पिट का निर्माण होगा, तभी तो प्रदूषण रहित गांव का निर्माण होगा। इसी दिशा में ओडिशा के गंजाम जिले के पात्रपुर ब्लॉक में स्थित आंकुली ग्राम पंचायत कार्यरत है। यहाँ के अधिकांश गाँव समुद्र तल से लगभग 930 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। इन गाँव में बिजली की आपूर्ति नहीं है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग गांव के 90% से अधिक परिवारों को रोशनी, पेयजल, सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा की सहायता मिल रही है, जिससे यहां के ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार आया है। ग्राम पंचायत द्वारा बड़े पैमाने पर वनीकरण किया गया है। विभिन्न सड़कों पे 318 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई, पीने के पानी और सिंचाई के उद्देश्य के लिए 26 सोलर डुअल पंप उपलब्ध हैं। हाउस होल्ड लेवल पर कंपोस्ट पिट और सोक पिट बनवाए गए। ग्राम पंचायत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने और निगरानी करने के लिए स्थायी समितियों का गठन किया। पिछले कुछ साल पहले इन गाँव का हाल एकदम अलग था। आमो घरे एलईडी योजना के तहत ग्रामीणों को एलईडी बल्ब वितरित करने के बाद इस समस्या का समाधान किया गया। पीएम उज्ज्वल योजना के तहत ग्रामीणों को एलपीजी गैस सिलेंडर के वितरण के बाद वनों की कटाई को न्यूनतम कर दिया गया। ग्राम पंचायत में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट के सेग्रीगेशन पर प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की जा रही है। नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है और ग्राम पंचायत को साफ और हरा भरा रखने में मदद की है। जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए SHG समूहों को प्रशिक्षित किया गया है। रिचार्ज शाफ्ट और स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई स्थापित की जा रही है। अपनी पंचायत को सदैव कार्बन न्यूट्रल बने रहने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप भी बनाया गया है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत की दिशा में आंकुली ग्राम पंचायत द्वारा ऊर्जा आपूर्ति के अक्षय प्रयासों के कारण ही आज ये पंचायत अन्य पंचायतों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।